बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीनेज गर्ल की ए लाइन फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये कमीज़ का कपड़ा रखा है। इसके बाजू और साइड वाला बॉर्डर और बैक और फ्रंट साइड अलहदा कर लेंगे। कुछ इस तरह का ये कपड़ा है। बैक और फ्रंट सेम है और ये बाजू है। ये सारे पीसेस मैं पहले अलहदा कर लूँगी, उसके बाद इसकी कटाई करूँगी। बैक और फ्रंट साइड को मैंने चार तह में फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई जो है 17.5 इंच है और लंबाई मैंने ली है इसकी 40 इंच। अब मैं तीरे का नाप लूंगी। तीरे की चौड़ाई रखूंगी 8 इंच और कंधे की लंबाई रखूंगी 7 इंच। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 10.5 इंच। 1 इंच इजाफी लूंगी। 11.5 इंच पे ये निशान लगाऊंगी। अब इसकी गुलाई कर लूंगी। ऊपर से मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं कमर की चौड़ाई लूंगी 10 इंच। 1 इंच इजाफी लूंगी। 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे तिरछा निशान लगा लूंगी। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। ये कटाई मैंने कर ली है। इसकी कटाई करने के बाद जो नीचे से तिरछा पीस निकला था वो वाला पीस मैंने इस साइड पे जोड़ते हुए सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहां पे इसकी गुलाई की है। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसकी गुलाई नीचे से कर दी थी। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान लगा के 3 इंच इसकी गुलाई की है। ऊपर से मैंने फ्रंट साइड के कंधे की गहराई भी कर ली थी। बाजुओं को चार तह में मैंने फोल्ड कर लिया। अजाफी पीस इस साइड पे निकालते हुए इसकी बाजुओं की चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच। बाजू की लंबाई लूंगी 21 इंच। बाजू की कंधे की जो गुलाई मैंने करनी है उसका निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। ये फ्रंट साइड की गुलाई है। यहां भी मैंने 8 इंच पे निशान लगाया। यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये निशान मैंने बिल्कुल दरमियान में लगाया था। अब इसकी इस तरह से यहां से गुलाई कर लूंगी। अब इनके निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। नीचे से थोड़ी सी इसकी 1/2 इंच मैं गुलाई करूंगी। अब मैं गले की कटाई कर लूंगी। गले की चौड़ाई लूंगी 3 इंच, लंबाई 3.5 इंच। अब इसकी गुलाई कर लूंगी।
बैक साइड की गले की लंबाई लूंगी 1 इंच, अब बुकरम की कटाई कर लूंगी। ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, अब इसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी। इसकी चौड़ाई जो है 4 इंच है, डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 2 इंच है, लंबाई इसकी 4.5 इंच है, 4.5 इंच से थोड़ी सी ज्यादा है। अब मैं यहां पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसके ऊपर यहां पे 4 इंच तक तिरछा निशान लगाऊंगी। और एक एक यहां पे निशान लगाऊंगी इसी तरह से तिरछा। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। अब इसे इस कपड़े के ऊपर पेस्ट करूंगी।
माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये मैंने टीन एज गर्ल की फ्रॉक तैयार की है। माशाल्लाह इसका घेर भी बहुत ही खुला बन गया है। अगर आपके पास घेर कम वाला कपड़ा है तो इस साइड पे ये मैंने कपड़ा डाला है, इस तरह से डाल के इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकती हैं। जो साइड से तिरछा निकलता है, ये मैंने बैन वाला गला इसका तैयार किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।